हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में, जो स्टार डेल्टा के कंट्रोल कनेक्शन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। अभी हमें एक तीन कॉन्टैक्टर चाहिए, मैग्नेट कॉन्टैक्टर। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास तीन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। ये हमें मेन कॉन्टैक्टर है, और ये हमारा स्टार है, और ये हमारा डेल्टा है। और एक हमें ओवरलोड रिले चाहिए होती है। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ओवरलोड रिले है। ये हम मोटर की प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, मोटर की सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ताकि जब हमारी मोटर जो है वो ओवरलोड हो जाए तो ये उसको ट्रिप करवा दे। और एक हमें स्टार डेल्टा कंट्रोल के लिए एक हमें स्टार डेल्टा टाइमर चाहिए होता है। और उसके साथ ही हमें दो पुश बटन चाहिए होते हैं, एक ऑफ पुश बटन और एक ऑन पुश बटन। ऑफ पुश बटन के लिए हमें जो हमारी जो एनसी एग्जर्ली होती है, जैसे एनसी पॉइंट होता है, वो चाहिए होता है। और दूसरा ऑन पुश बटन के लिए हमें एनओ पॉइंट चाहिए होता है। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एनओ पॉइंट वाला पुश बटन है। और एक हमें जो सिंगल पोल एमसीबी चाहिए होता है, जो इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें इसको कंट्रोल करेंगे। तो चलिए अब आपको हम इसका जो कंट्रोल वायरिंग है वो करके दिखाते हैं, फिर हम आपको इसका जो ये हमारे पास एक डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है। जैसे कभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डायग्राम है जो मैंने स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट के लिए बनाई हुई है। तो इसके थ्रू हम ये वायरिंग करेंगे। तो अभी आपको हम वायरिंग करके दिखाते हैं फ्रेंड। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं। तो वायरिंग करने से पहले जो आपने जो मेन कॉन्टैक्टर होगा उसके नीचे आपने ओवरलोड रिले इसकी जो है वो टाइट कर लेनी। जैसे कि अभी हमने ये देखें जो ओवरलोड रिले है वो लगा दी है। तो चलिए अभी हम आपको जो इसकी वायरिंग है वो करके दिखाते हैं। ये भी मैंने अभी फेज़ ले लिया, जो हमारा एमसीबी है उसके मैंने नीचे दे दिया। अभी ऊपर से हम इसकी जो आउटपुट सप्लाई है वो हम जो ओवरलोड रिले है उसको ऊपर देंगे। तो फिर आगे कैसे वायरिंग करते हैं ये अभी आपको हम दिखाते हैं फ्रेंड। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने जो फेज़ है वो एमसीबी में दिया, और एमसीबी से आउटपुट लेके जो हमारी रिले है उसके एनसी पॉइंट में दे दिया, और एनसी पॉइंट से निकाल के सप्लाई जो हमने ऑफ पुश बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे दे दिए। अभी जो उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑफ पुश बटन का, उससे निकाल के अभी हम ऑन पुश बटन में देंगे। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं हमारे पास जो इसका ऑन पुश बटन है, तो ये देख सकते हैं कि जो हमने जो हमारे पास ड्राइंग है वो हमने सप्लाई दी ओवरलोड में, ओवरलोड से निकाल के हमने ऑफ पुश बटन में दी, अभी ऑफ पुश बटन से निकाल के ऑन पुश बटन में देंगे फ्रेंड। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि जो हमने वायरिंग की थी तो हमने ऑफ पुश बटन तक वायरिंग कर दी थी, अभी ऑफ पुश बटन से निकाल के मैंने ऑन पुश बटन के एक पॉइंट पे दे दिया, और उधर से ऑन पुश बटन से जो हमने निकाली हुई है एक वायर, ये देख सकते हैं जो हमने A1 के ऊपर दी हुई है, और A1 से हमने जो NO के ऊपर एक जो उसका होल्डिंग पॉइंट है वो दे दिया, और ये दूसरा उसका जो NO पॉइंट से निकाल के हमने ऑन पुश बटन के जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर सप्लाई दी हुई है। जैसा कि अभी मैंने आपको ड्राइंग में भी बताया था कि हमारा ऑफ पुश बटन से निकल के सप्लाई ऑन पुश बटन में गई, और ऑन पुश बटन से निकल के जो हमारी वो सीधी डायरेक्ट A1 के ऊपर आई, और उधर से हमने ये एक होल्डिंग पॉइंट लगाया। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये मेन जो कॉन्टैक्टर है ये होल्ड हो जाएगा। अभी हम आपको जो इसकी जो टाइमर की वायरिंग है और आगे स्टार और डेल्टा की वायरिंग है ये कैसे करते हैं ये अभी आपको हम करके दिखाते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अभी टाइमर को सप्लाई देनी है, तो ये देख सकते हैं कि हमने इधर से जो हमारा A1 से सप्लाई आ रही थी वो हमने टाइमर के जो हमारा A1 पॉइंट था, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं आप, तो हमारा A1 पॉइंट है इसके ऊपर सप्लाई दे दी है, और A1 से निकाल के हमने जो इसका 15 नंबर पॉइंट था उसके ऊपर दे दी सप्लाई, जो हमारा टाइमर का कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अभी जो हम जो इसके ऊपर ये 18 पॉइंट और ये 16 पॉइंट है इससे अभी सप्लाई देंगे जो हमारा स्टार होगा और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा, और उसके बाद हम जो इसकी इंटरलॉकिंग होगी वो भी इसका करेंगे आपको
फ्रेंड जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, जो हमने इसका ये 16 नंबर था उधर से मैंने वायर डाल दिए, जो हमारा डेल्टा का पॉइंट था एनसी से निकाल के जो हमने स्टार का A1 पॉइंट था उसके ऊपर दे दिए, ये हमने इसकी इंटरलॉकिंग कर दी है। अभी जो हमारा स्टार का इंटरलॉकिंग है वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि उसकी स्टार की इंटरलॉकिंग और उसको कैसे सप्लाई देनी है वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि हमने जो इसका 18 नंबर पॉइंट था जो टाइमर का, उधर से हमने सप्लाई निकाली है, जो हमारा स्टार था हमने उसके एनसी पॉइंट से दिए और एनसी पॉइंट से निकाल के हमने जो हमारा डेल्टा का A1 पॉइंट था उसके ऊपर दे दिए, ये इसकी इंटरलॉकिंग हो गई है। और ये जो हमने ये इधर से की है ये हमारी स्टार की इंटरलॉकिंग हुई और ये डेल्टा की इंटरलॉकिंग हमने कर दी है। तो अभी हमारा जो ड्राइंग के हिसाब से सर्किट कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो अभी हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है, टाइमर है, जो स्टार है और डेल्टा पॉइंट है, इसके जो A1 पॉइंट है इसके ऊपर अभी हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो फिर हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम आपको इसका ऑपरेशन करके दिखाएंगे कि ये भी ये कैसे चलते हैं। फ्रेंड जैसा कि भी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा सर्किट था वो कंप्लीट हो गया है। जो हमारा जो A2 पॉइंट था, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर का, ये हमारा टाइमर का और ये हमारा स्टार है और ये हमारा डेल्टा पॉइंट था, उसके ऊपर हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। और अभी हम आपको ये इसमें सप्लाई देंगे तो अभी इसका जो ऑपरेशन है वो अभी करके दिखाते हैं। जो हमारे टाइमर के ऊपर सेटिंग है वो हमने 10 सेकंड की हुई है, तो उसके ऊपर जो 10 सेकंड के बाद ये देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा पॉइंट है वो ऑन होता है कि नहीं होता है। तो अभी जो टाइमर की सेटिंग भी कर दी है तो अभी सप्लाई दे के अभी आपको जो दिखाते हैं इसका जो ऑपरेशन है। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि जो हमारी डायग्राम थी उसके हिसाब से हमने ये पूरा वायरिंग कर दी है। तो अभी ये देखते हैं, अभी ये इसका ऑपरेशन अभी हम आपको करवा के दिखाते हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो इसको जो सप्लाई है वो दे दी है, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं कि जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर था वो भी लग गया है, टाइमर भी हमारा ऑन हो गया है, जो हमारा स्टार का पॉइंट था, जो स्टार का कॉन्टैक्टर था वो भी ऑन हो गया है। तो अभी हमने इसके ऊपर 10 सेकंड जो हमारी सेटिंग की हुई थी, तो देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर था वो ऑफ हो गया है और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है, और साथ में जो हमारा मेन का कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन है। अभी हम आपको दोबारा इसका जो है ऑन ऑफ करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने अभी ये दोबारा ऑन किया है तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, साथ में हमारा स्टार का भी ऑन हो गया। तो ये 10 सेकंड अभी पूरे करेंगे तो ये हमारा जो डेल्टा का है कॉन्टैक्टर वो भी ऑन हो जाएगा। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा का कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो गया और जो हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर था वो ऑफ हो गया, और ये देख सकते हैं हमारा मेन कॉन्टैक्टर वो भी ऑन है। तो अभी ये हमारी जो ओवरलोड रिले है तो इसको ऊपर हम इसका जो टेस्ट पॉइंट है इससे हम आपको जो इसकी जो ओवरलोड की रिले की सेटिंग भी कर सकते हैं और इससे टेस्ट पॉइंट से भी चेक भी कर सकते हैं कि हमारी ओवरलोड रिले काम भी करती है कि नहीं करती। तो इसको भी मैं अभी आपको इसको टेस्ट पॉइंट पे डाल के इसको ट्रिप करवा के दिखाते हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो चल रहा है, तो अभी ये देख सकते हैं कि हमने इसको जो ओवरलोड रिले को जो टेस्ट पॉइंट पर डाला है तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो सारे ऑफ हो गए हैं। तो अभी ये देख सकते हैं कि दोबारा ऑन नहीं होंगे, ये देख सकते हैं कि दोबारा अभी इसको हमने रीसेट करके दोबारा इसको ऑन किया है। ये देख सकते हैं कि अभी जो हमारे टेस्ट पे डाल के इसको पूरा ऑफ हो गया तो ये दोबारा ऑन नहीं होंगे। फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि जो पहले हमारा ये जो ओवरलोड थी वो ठीक से हमने ट्रिप नहीं करवाई थी, तो अभी ये हमने ट्रिप करवा दी है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो टी का निशान आ रहा है, ये ट्रिप का जो टेस्ट का निशान इसके ऊपर आ रहा है। तो जो ही हम इसको ये देख सकते हैं कि दोबारा इसको जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा। तो अभी जैसे ही हम इसको रीसेट करेंगे ये देख सकते हैं कि जो वो टेस्ट का पॉइंट था वो टी का वो चला गया, तो अभी दोबारा हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि इसका जो ऑपरेशन है दोबारा अभी ये ऑन हो गया है।
और अब जैसा कि अभी देख सकते हैं जो हमारा स्टार का जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो गया और डेल्टा का कॉन्टैक्टर है वो ऑफ ऑन हो गया है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है स्टार डेल्टा के रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।